नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूर्णांक हासिल कर कुशीनगर की छात्रा आकांक्षा सिंह ने देश भर में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि हाल ही में आए नीट के परिणाम के बाद से कुशीनगर निवासी आकांक्षा सिंह सभी की सराहना बटोर रही हैं। आकांक्षा सिंह ने नीट 2020 में 720 में से पूरे 720 अंक लाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इतिहास को रचने वाली इस बेटी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर सम्मानित किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मिशन शक्ति चला रहे सीएम योगी प्रदेश की इस बेटी से प्रभावित हैं, इसलिए उसे सम्मानित करने का फैसला किया। प्रदेश सरकार ने आकांक्षा की MBBS की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए आकांक्षा रोल मॉडल हैं। लोग उनसे प्रेरणा लें, इसके लिए उनके गांव को जोड़ने वाली सड़क का नामकरण उनके नाम पर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अति पिछड़े जिले से होने के बावजूद आकांक्षा ने सफलता का जो कीर्तिमान रचा है वह उनकी मेहनत, लगन, जज्बे और जुनून का सबूत है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों, खासकर बच्चियों के लिए प्रेरक भी है। सरकार ने बहु बेटियों के सम्मान, सशक्तिकरण और स्वावलंबन के लिए जो कदम उठाया है उसके लिए भी आकांक्षा खुद में रोल मॉडल है। इस सफलता को लिए पूरे परिवार को शुभकामनाएं। पूरा भरोसा है कि आकांक्षा सफलता के इस सिलसिले को जारी रखेंगी। सरकार आकांक्षा को संयुक्त टॉपर घोषित करने के लिए नीट को पत्र भी लिखेगी। वहीं सीएम योगी ने मुख्य सचिव आर.के. तिवारी को निर्देश दिया कि आकांक्षा सिंह की UG कोर्स की पूरी फीस और हॉस्टल के खर्चे का पूरा विवरण परिवार से लेकर उसका एक मुश्त भुगतान कर दिया जाए, ताकि बाद में परिवार को भटकना ना पड़े। मुख्यमंत्री ने गाँव की एक सड़क आकांक्षा के नाम पर किए जाने की भी घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आकांक्षा और उनके छोटे भाई अमृतांश को टैबलेट, माता पिता को शॉल देकर सम्मानित किया। बता दें कि हाल ही में आए नीट के परिणाम के बाद से कुशीनगर निवासी राजेंद्र कुमार राव और रुचि सिंह की बेटी आकांक्षा सिंह सभी की सराहना बटोर रही हैं। आकांक्षा सिंह ने नीट 2020 में 720 में पूरे 720 अंक लाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। हालांकि उम्र कम होने की वजह से आकांक्षा को दूसरी रैंक दी गई है। अपने गृह जिले के नवजीवन मिशन स्कूल से 10वीं कक्षा में 97.6% और नई दिल्ली स्थित प्रगति पब्लिक स्कूल से 12वीं में 96.4% अंक लाकर पहले भी अपने माता पिता का मान यह बेटी बढ़ा चुकी है। अब उसकी इच्छा एम्स नई दिल्ली में प्रवेश लेकर न्यूरो सर्जन बनने की है। लक्ष्य को प्राप्त करने की जो एक तमन्ना होती है उसे प्राप्त करने की जो एक उत्कट इच्छा शक्ति दिखती है वह कुमारी आकांक्षा सिंह ने अपने परिश्रम से, अपने लगन और अपनी मेहनत से करके दिखाया। ये प्रदेश के लिए और देश के सभी बालिकाओं के लिए एक अत्यंत गौरव का क्षण है। मैं इस अवसर पर कुमारी आकांक्षा सिंह को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होकर आकांक्षा सिंह भी काफी खुश नजर आई। आकांक्षा न्यूरोसर्जन बनना चाहती हैं और एग्जाम में 100% नंबर लाने की वजह से ही देश के बेस्ट मेडिकल कॉलेज एम्स में उनका एडमिशन तय है। एयरफोर्स के रिटायर्ड जवान की बेटी आकांक्षा मेडिकल की कोचिंग के लिए दिल्ली कुशीनगर से गोरखपुर के बीच 70 किलोमीटर सफर भी करती थी। ये मेरा सपना था कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूं, प्रधानमंत्री जी से मिलूं, तो मेरा वो सपना पूरा हुआ है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे सम्मानित किया। और आगे मैं और मेहनत करना चाहूँगी ताकि ऐसे ही मैं अपने प्रदेश का नाम और पूरे देश का नाम रोशन कर सकूँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।